ठीक है, हमने यहाँ पे जो इंट एक्स बनाया है ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। कितनी वैल्यू स्टोर होती है, एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट का मेमोरी है, ठीक है। कितने एलिमेंट की मेमोरी है, एक ही एलिमेंट की मेमोरी है। अगर हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके, तो हम लोग को नॉर्मल वेरिएबल ना बना के क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एरे हम लोग को फैसिलिटी देता है कि कोई भी सिंगल वेरिएबल पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके, ठीक है। आया समझ में, क्लियर? चलो देखते हैं एरे होता क्या है, ठीक है। एन एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, ध्यान से इसको समझो, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, एन एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। सिमिलर टाइप का मतलब क्या हुआ, एक समान, ठीक है। अगर हमने कोई एक एरे बनाया तो उसमें सेम टाइप का ही डेटा होना चाहिए, सेम टाइप मतलब सेम डेटा टाइप, ठीक है। अगर मैंने इंटीजर का कोई एरे बनाया तो इंटीजर टाइप के ही उसमें डेटा आइटम्स होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स होने चाहिए। आया समझ में, ठीक है। अगर हम लोग सेम डेटा टाइप के कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरे होता है उसको हम लोग जब स्टोर करते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स जब स्टोर करते हैं, ठीक है, तो कुछ एक कंटिजियस मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक मैंने मेमोरी लोकेशन ले लिया, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन है। अब यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू में स्टोर करता हूँ, कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 स्टोर किया, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 एलिमेंट स्टोर किया, सबके सब किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है, इंटीजर टाइप के, ठीक है। इसका मेमोरी लोकेशन जो होगा, अगर मान के चलो इसका एड्रेस 1001 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1001 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे ही ये स्टोर होगा, ठीक है। कैसे, कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, 1001 है, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 अप टू 1010, ठीक है। इसका मेमोरी लोकेशन हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही होगा। आया समझ में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एरे, क्या बोलते हैं, एरे। एरे हम लोग को फैसिलिटी देता है कि सिंगल वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज हम लोग ले सकते, ठीक है। हम लोग इसके अंदर कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, जितनी हमारे पास मेमोरी होगी उतनी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। एरे आर द डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंट, कैर, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का बना सकते हैं, हम लोग फ्लोट का भी बना सकते हैं, कैर का भी बना सकते हैं, डबल का भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है, सभी के हम लोग एरे बना सकते हैं। आया समझ में, जैसे हम लोग इंटीजर का एरे बना रहे हैं तो इंटीजर वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। डबल का हम लोग एरे बना रहे हैं तो डबल की वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। कैरेक्टर का एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू ही होगी, अगर हम लोग स्ट्रिंग का बना रहे हैं तो उसमें स्ट्रिंग ही होगा। आया समझ में, कुछ डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज तो करेंगे क्या,
क्या करेंगे? Each element of an array is of same data type and carries the same size. ठीक है, int equal to 4 bytes. ठीक है, अब देखो इंटीजर कितनी बाइट लेता है? 4 bytes लेता है. ठीक है, मतलब एक एलिमेंट का 4 bytes. तो अगर 10 एलिमेंट है तो कितना bytes लेगा? 40 bytes लेगा. ठीक है, तो वो मल्टीपल हो जाता है. Elements of the array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at the smallest memory location. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स एरे के होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स दिखाए 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है. ठीक है, एरे के एलिमेंट्स है. ठीक है, सबके सब कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होंगे. मतलब 1001 में सबसे पहले स्टोर होगा, फिर 1002 में स्टोर होगा, फिर 1003 में स्टोर होगा, ऐसे स्टोर होते जाएगा. आया समझ में? और यहाँ पे जो एलिमेंट है सबका एक इंडेक्स वैल्यू होता है. क्या होता है? इंडेक्स वैल्यू होता है. ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं इंडेक्स. क्या बोलते हैं? इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स हमेशा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये 10 के लिए इंडेक्स क्या होगा? 0. 20 के लिए क्या होगा? 1. ठीक है, अप टू जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको, हर एक एलिमेंट को इंडेक्स मिलेगा. ठीक है, हम लोग इस एड्रेस से इसको एक्सेस नहीं करते, हम लोग इस एड्रेस से एक्सेस इसको नहीं करेंगे, हम लोग एक्सेस किससे करेंगे? इंडेक्स से. इंडेक्स नंबर 0 अगर बोल रहे तो वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी? 10 मिलेगी. ठीक है, इंडेक्स ऑफ 2 बोल रहे हैं तो 20 क्या 30 मिल रहा है. ठीक है, इंडेक्स ऑफ 4 अगर बोलेंगे तो 50 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस फॉर्म में ये चलते जाता है. तो इंडेक्स ऑफ 0, 1, 2, 3 ऐसे एक एक करके वो स्टोर होते जाता है. एक्सेस भी हम लोग उसी तरीके से करते हैं. ठीक है, समझ में आया एरे क्या होता है? एरे हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के. ठीक है, और हर एक एलिमेंट, हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है. बस दो ही चीज इसमें याद रखना. ठीक है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा, और हर एक एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर एरे. क्या बोलते हैं? लीनियर एरे. लीनियर एरे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर एरे. कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट इज लीनियर एरे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. क्या लिखोगे? यही चीज लिखना है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. एरे अगर पूछ रहा है तो दो ही टाइप की जिंदगी में एरे पढ़ना, कभी भी एक 1D एरे, या फिर उसको बोलते हैं लीनियर एरे. ठीक है, और सेकेंड होता है 2D एरे. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है, लेकिन कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे. ठीक है, तो दो ही टाइप के मेन एरे पढ़ने हैं हम लोग को, 1D एरे और 2D एरे. ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे लीनियर एरे को ही हम लोग 1D एरे बोलते हैं, मतलब 1-डायमेंशनल एरे. ठीक है, समझ में आएगा इतना? चलो आगे चलते हैं अपन. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड. We can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग ने एलिमेंट यहाँ पे स्टोर किया है, हम लोग इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. रैंडमली एक्सेस मतलब हम लोग अगर चाहे तो इंडेक्स नंबर 3 को एक्सेस कर ले, इंडेक्स नंबर 7 को एक्सेस कर ले, इंडेक्स नंबर 9 को एक्सेस कर ले. ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम लोग इसको कंटिन्यूस फॉर्म में ही एक्सेस करें. ठीक है, हम लोग रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर से हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर इंडेक्स नंबर हम लोग 5th को एक्सेस कर रहे हैं तो वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगी? 60 मिलेगी. ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है एरे. ठीक है, इंटीजर का मैं एक एरे बनाता हूं, मैं ARR नाम का एक यहाँ पे एरे बनाया और यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट दूंगा. ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं साइज लिखूंगा. अगर मुझे
10 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करना है, ठीक है। अगर 10 एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं इसका साइज क्या दे दूंगा, 10, ठीक है। इसका मतलब ये जो एरे वेरिएबल है वो 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता है, ठीक है, आया समझ में। अभी कैसे स्टोर कर सकता है, हम लोग इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन हम लोग इसको बोलेंगे। अब ये एरे जो बना है सब के सब इसमें किस टाइप के डेटा होंगे, इंटीजर टाइप के ही डेटा होंगे, ठीक है। अगर मैं इंटीजर का एरे बना रहा हूं तो इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता हूं, उसमें कैरेक्टर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, उसमें डबल डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उसमें फ्लोट के भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते, समझ में आया। और कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जितना इसका साइज होगा, ठीक है, जितना साइज होगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए आर आर ऑफ 10, ठीक है, और इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इसके सारे एलिमेंट दूंगा, ठीक है। जैसे मैं डालता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, कितने एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट हो गए। अगर मैं इसमें ट्राई करूंगा कि मैं 110 भी डाल दू तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइज ही उसका 10 है, ठीक है, उसके पास जगह कितनी है, 10 एलिमेंट के लिए जगह है, ठीक है, 10 के अलावा वो 11th एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग वहां एंटर तो कर देंगे लेकिन वो मेमोरी में सेव नहीं होगा क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है, उसके पास 10 एलिमेंट के लिए ही मेमोरी है, ठीक है। 10 एलिमेंट इसमें स्टोर हो गए। हम लोग जब नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे तो उसमें कितना स्टोर करते थे, सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे। अब यहाँ पे हम लोग कितना वैल्यू स्टोर कर लिए, 10 वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ तो कितने वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, 100 वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जितने एलिमेंट इसके होते हैं, ठीक है, सभी के सभी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो भी रैम वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसका एक एड्रेस होता है, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 1001, ठीक है, सेकंड मेमोरी लोकेशन है 1002, ठीक है, तो यहाँ पे 1003, 1004, 1005, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे ही ये स्टोर होगा, 10, 20, 30, ऐसे ही क्या होगा, स्टोर होगा, आया समझ में। और जितने भी एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हुए हैं, ठीक है, सबका एक इंडेक्स होगा, क्या होगा, इंडेक्स, क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। यहाँ जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो होगा जीरो से, कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू इसकी डिफाइन की जाएगी, ठीक है। जब भी हम लोग एरे बनाते हैं सारा चीज कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट देना होता है, ठीक है। एलिमेंट जो होगा वो जीरो से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब इंडेक्स नंबर जीरो, सेकेंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स नंबर वन, थर्ड एलिमेंट मतलब इंडेक्स नंबर टू, फोर्थ एलिमेंट मतलब इंडेक्स नंबर थ्री, ठीक है, समझ में आया। हम लोग इसको कहीं से भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, आया समझ में। अब कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये समझ में आया ना, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग वैल्यूज देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। किसमें होता है, सिंगल कोट में होता है, सिंगल कोट में आप देते हैं डी, सिंगल कोट में देते हैं यहाँ पे एच, ठीक है,
कॉमा सिंगल कोट में हम लोग देंगे आई, ठीक है, सिंगल कोट में हम लोग देंगे आर, ऐसा हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जितना साइज है उतना यहाँ पे कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, ठीक है, 30 है तो इसका मतलब 30 में पूरा डाल के नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, अपने से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में हम लोग कैसे वैल्यूज को देते हैं, सिंगल कोट में, ठीक है, और कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं, ठीक। 30 मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, 30 मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे डबल है तो डबल में भी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। डबल में क्या वैल्यूज देंगे, इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे 23.44 देता हूँ, कॉमा 56.77, ठीक है, इस टाइप से कोई भी हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। डबल जो है वो इंटीजर और फ्लोट दोनों एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डिक्लेरेशन किया और उसके बाद इनिशियलाइजेशन किया। हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा हम लोग वेरिएबल को करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करते समय भी हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कैसे एरे डिक्लेयर होता है, कैसे इनिशियलाइज होता है, ठीक है, आया कि नहीं आया, आ गया। एडवांटेज में सबसे पहला आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, लेस कोड टू एक्सेस द डेटा, ठीक है, लेस कोड टू एक्सेस द डेटा। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर मान के चलो 100 एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर है, तो हम लोग को 100 अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 100 अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2-3 लाइन में ही उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को 100 एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए भी उतना ही कोड लिखना पड़ेगा जितना हम लोग 5 एलिमेंट के लिए लिखेंगे, ठीक है, आया समझ में। सेकंड, ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग, बाय यूजिंग द फॉर लूप वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इजीली, ठीक है। अब देखो, ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर उसके अंदर 10 एलिमेंट्स है तो एक एक करके हम लोग उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू से, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जितना भी उसका साइज हो, ठीक है। और एरे को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका अवेलेबल है फॉर लूप, कौन सा लूप, फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि लूप ही उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्सेस कर सकता है, और कोई दूसरा तरीका दुनिया में अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखना, एरे को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका है फॉर लूप, कौन सा लूप, फॉर लूप, फॉर लूप से ही हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। हमने डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, अब उसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, फॉर लूप से, ठीक है। थर्ड है ईज ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है, हम लोग इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब घटते क्रम, ठीक है, मतलब 100, 90, ठीक है, जो भी एलिमेंट देंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा, तो बहुत इजी होता है उसको सॉर्ट करना, ठीक है, समझ में आया। फोर्थ है रैंडम एक्सेस, क्या है, रैंडम एक्सेस, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द एरे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं, मान लो अगर 10 एलिमेंट है, तो हम लोग रैंडमली कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उस समय हम लोग को लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग उसको डायरेक्टली प्रिंटएफ स्टेटमेंट या फिर जैसा भी हम लोग को लिखना है, एक्सेस करना है, वैसा हम लोग कर सकते हैं,
ठीक है, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सेस करना है उसी केस में हम लोग लूप लगाएं, ठीक है, उसी केस में हम लोग लूप का यूज करें, ठीक है, आया समझ में? तो ये था एडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है, बस एक ही डिसएडवांटेज है इसका, फिक्स्ड साइज, ठीक है, फिक्स्ड साइज। इसका साइज अगर मान लो हम लोग 10 डिफाइन कर दिए तो रन टाइम पे कभी भी इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रन टाइम पे कभी भी हम लोग 10 के जगह 15 एलिमेंट नहीं डाल सकते, ठीक है, समझ में आया? इसका साइज हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस फिक्स साइज को हम लोग डायनामिक कर ले, डायनामिक मतलब रन टाइम पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका होता है, ठीक है, वो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सर साइज 10 भी है तो 5 डाल सकते हैं।